बीते कुछ दिनों में आपने बागेश्वर बाबा से जुड़ी हुई कुछ कहानियां जरूर सुनी होंगी, लेकिन इस बात का भरोसा मैं आपको देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि बागेश्वर बाबा चर्चा का विषय क्यों बन गए, क्या बाबा ढोंगी है, क्या बाबा जी कुछ गलत करते हैं। कुछ मैंने नेगेटिव पॉइंट्स लिए हैं और कुछ है पॉजिटिव पॉइंट्स। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा नेगेटिव पॉइंट्स के साथ। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर के गड़ा गांव की मरकट पहाड़ी पर है, और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो जगह है स्पेशली ये पहाड़ी आज से ही नहीं दोस्तों, पता नहीं कितने सालों से तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के लिए ही जानी जाती है। इस जगह को किसी दिन कोई पूछता भी नहीं था, ना कोई इसके बारे में ज्यादा जानता था, लेकिन दोस्तों आज की हम बात करें तो गड़ा गांव बिजनेस हब बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि बाबा जी यहाँ पे दरबार लगाते हैं, और बिजनेस का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि बागेश्वर धाम की वजह से लाखों श्रद्धालु गड़ा गांव पहुँचते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर जो दुकानें मौजूद हैं उनका किराया 1.5 लाख तक पहुँच चुका है। जमीन की जो रेट है वो 80 लाख प्रति एकड़ को टच कर चुकी हैं। अब आप सोच रहे हो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? अब बुराइयां दोस्तों यहीं से शुरू होती हैं। फीट के हिसाब से दुकान किराए पर मिलती है, उनका लाखों किराया है, लाखों की ही जमीन है, तो भैया कब्जे हो रहे हैं जमीनों पर। और इन कब्जों को करवाने का जो आरोप है वो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, जिनको आप जानते हो बागेश्वर बाबा के नाम से। बाबा की यहाँ पे फुल दादागिरी चलती है, गैर कानूनी काम खूब होते हैं, यहाँ तक कि जहाँ बाबा दरबार लगाते हैं वो जमीन भी कब्जाई हुई जमीन है। जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा बताते हैं वो जगह पंचायत की थी, लेकिन महाराज ने उस पे 2 मंजिला बिल्डिंग बना दी। पहले ये जगह गांव वालों के काम आती थी, गांव की तरफ आई हुई बारात इस जगह पर रुक जाती थी। पहले ये एक सामुदायिक भवन था जहाँ पे गांव वाले मीटिंग करते थे, क्योंकि ये जमीन पंचायत की थी, मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब बाबा का कब्जा है। पंचायत की तो छोड़ो दोस्तों, बाबा ने शमशान तक की जमीन नहीं छोड़ी। शमशान की जमीन मंदिर के पास थी, बाबा ने वो भी कब्जे में ले ली, और भी बहुत सारी जो मंदिर के आस पास जमीने हैं उनके ऊपर कब्जा करके निर्माण करने का आरोप बाबा पे है। कब्जा रोकने की कोशिश की गई, तहसीलदार ने नोटिस भी दिए, लेकिन बाबा की टीम ने बिल्कुल भी कब्जा नहीं रोका और निर्माण करते चले गए। सरकार के रिकॉर्ड में आज भी ये जमीन पंचायत की, शमशान की और तालाब की बोलती है, लेकिन बाबा आज इनको यूज ले रहे हैं, दुकानें और बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। अब दुख तो दोस्तों मुझे इस बात का हुआ कि बहुत सी प्राइवेट जमीनें, मतलब किसी आदमी की जमीन, जैसे आप कोई जमीन खरीदो, उस जमीन पर भी बाबा ने दोस्तों अपनी नजरें डाली। बागेश्वर धाम से बिल्कुल नजदीक किसी की जमीन है, उन्होंने बताया कि हम इस जमीन पर खेतीबाड़ी किया करते थे और हमारे टपरे इस जमीन पर थे। हमारे टपरे तोड़ने की कोशिश की गई बागेश्वर बाबा की टीम के द्वारा। हम कोर्ट से स्टे लेकर आए, फिर भी रात के 12 बजे बागेश्वर बाबा की टीम ने हमारे टपरे तोड़ दिए। जिस परिवार के साथ ये गैर कानूनी काम हुआ उन्होंने छतरपुर कलेक्ट्रेट पे धरना भी दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बाबा का प्रभाव ज्यादा है। कई वीडियोस में दोस्तों आपको दिख जाएगा कि बड़े बड़े मंत्री, IAS IPS जज धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में माथा टेक रहे हैं, तो कानूनन तौर पे इनसे लड़ना मुश्किल है, क्योंकि भारत के कानून को दोस्तों आप लोग जानते हो। बाबा से एक इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो बाबा ने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि कानून व्यवस्था है ना। अब दोस्तों कानून व्यवस्था गरीब के लिए मुझे लगता नहीं कोई खास है। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर मैं जमीन पे कब्जा कर रहा हूँ तो वो गांव वालों के काम ही तो आ रही है। अब दोस्तों बाबा की बात में कितनी दम है आप खुद समझदार हो, खुद सोच लो। पहले जमीन पे कब्जा करो, फिर ये बोल दो कि आपके काम ही तो आ रही है। उसी गांव के लोगों का ये भी कहना था कि बाबा कब्जे का डर दिखाकर हमसे जमीन जबरदस्ती से खरीद लेते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई धीरेन्द्र शास्त्री जी की डार्क साइड, लेकिन अब जानते हैं कि बाबा चर्चा का विषय क्यों बने। बाबा के ऊपर आरोप थे कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, राष्ट्र की एक थाने इनके ऊपर केस भी किया। अब ये बात तो सबको पता है, लेकिन बात तो ये है कि बाबा क्या सच में अंधविश्वास फैलाते हैं। अब दोस्तों आप अपने मन को ही बताइए कि अंधविश्वास या फिर सुपरस्टिशन होता क्या है। अंधविश्वास की क्या परिभाषा आप जानते हो? अगर दोस्तों आपको सिंपल सादा भाषा में मैं बताऊं तो अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी उचित कारण के मन ग्रंथ बात कही गई हो और उस पे आप अंधाधुन विश्वास कर लो, यही होता है दोस्तों अंधविश्वास। अब बात ये है कि बाबा भक्त का
दुख बताने से पहले ही अपने परिचय में लिख देते हैं और हम सबको लगता है ये एक दिव्य शक्ति है और चमत्कार है। लेकिन दोस्तों पहले के समय में जब कोई जानता नहीं था तब सूर्य ग्रहण को भी चमत्कार मानते थे, सुबह से शाम जब होती थी उसको भी चमत्कार मानते थे। लेकिन जब लोग पढ़े लिखे हो गए तो वो जानने लग गए ऐसा क्यों होता है। अब रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करते हैं, मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट पास नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा ही दोस्तों एक लड़की है सुहानी शाह, वो भी कर लेती है। बहुत से लोग कहेंगे कि वो तो कई बार मन में सोचने के लिए बोलती है तब पर्चा बनाती है या फिर तब लिखती है। नहीं दोस्तों, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखना। वो बिल्कुल नहीं कह रही कि बार बार सोचो, और वो पहले ही लिख दे रही है कि अगला क्या सोचेगा। अकेले सुहानी शाह की ही बात नहीं है, पता नहीं कितने ऐसे मैजिशियंस, माइंड रीडर, मेंटलिस्ट हैं जो ये काम करते हैं और वो जानते हैं कि ये काम कैसे होता है। हम जैसे लोग इसको चमत्कार समझ लेते हैं क्योंकि हम जानते नहीं है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बाबा जी तो बिल्कुल नहीं बोलते कि आप सोचिए, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि बाबा जी ऐसा क्यों बोलेंगे कि आप सोचिए। क्योंकि जो दुखी इंसान आया है वो तो पहले से ही अपने दुख को मन में सोच के बैठा है कि महाराज जी से इस दुख का मैं समाधान पूछूंगा, और ऐसा ही कुछ बाकी के माइंड रीडर्स करते हैं। तो सुहानी शाह की अगर बात करें तो इस काम को बोलती है ये एक आर्ट है, ना कि कोई दिव्य शक्ति। जिसने प्रैक्टिस की होगी वो आसानी से कर लेगा। वो तो ये बात भी बोलती है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो माइंड रीडिंग ही है। तो आप कहोगे कि ये दुनिया पागल है जो वहां जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राम रहीम जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके थे तब भी उसको दुनिया पूजती है। तो मैं और आप किसी को नहीं समझा सकते। अब आप खुद तय कर लो कि जो सुहानी शाह कर रही है और वही वो बाबा कर रहे हैं, तो आप इसको क्या समझोगे, आप खुद समझदार हो। लेकिन दोस्तों बात याद रखना, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि बाबा माइंड रीड करते हैं, और ना ही मैंने ये बात कही है कि बाबा के पास शक्तियां हैं। मैंने सिर्फ फैक्ट्स पर बात की है, तय आप खुद कर लो। और बाबा की कुछ अच्छी बातें बताऊं तो बाबा कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, 600 बेडों का, गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं, कई दिनों से भंडारा चलता आ रहा है, बाबा हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार करते हैं। मैं इस बात पे बाबा के पक्ष में हूं, लेकिन गलत बात पर नहीं हूं, और आप भी मत होना। बाबा के ही नहीं, गलत बात पर किसी के भी पक्ष में मत होना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर करना। इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो मैं रोज डालता हूं, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वो भी आप तक पहुंचेगी। थैंक यू।